हाय, आई एम राहुल और वेलकम ऑन माय चैनल। जैसा कि मैं 6th का ज्योग्राफी एनसीईआरटी डिस्कस कर रहा हूँ, उसमें मैंने थर्ड तीन चैप्टर डिस्कस कर लिया। आज मैं फोर्थ डिस्कस करूँगा, जो कि है मैप। ठीक है, मैप क्या होता है, कैसे होता है, यही समझना है मुझे। काफ़ी सिंपल चैप्टर है, 60 चैप्टर। ओके, तो देखते हैं इसको। ये मैप इज़ द रिप्रेजेंटेशन और ड्राइंग ड्राइंग ऑफ द अर्थ सरफेस, और ये पार्ट ऑफ इट्स द ड्रॉन ऑन ये फ्लैट सरफेस अकॉर्डिंग टू ये स्केल। ओके, इसे कहते हैं मैप। आगे बढ़ते हैं। फिजिकल मैप क्या होता है? फिजिकल मैप शोइंग द नेचुरल फीचर ऑफ द अर्थ सच एज द माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, रिवर्स, ओशियंस आर द फिजिकल और द रिलीफ मैप भी कहते हैं। पॉलिटिकल मैप क्या होता है? मैप शोइंग सिटीज, टाउन्स, विलेज, डिफरेंट कंट्रीज, स्टेट ऑफ द वर्ल्ड विथ देयर बाउंड्रीज आर कॉल्ड द पॉलिटिकल मैप्स। फिर आगे क्या है? थीमेटिक मैप्स क्या होता है? सम मैप्स फोकस ऑन द स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन सच एज रोड। ओके, एंड मैप्स रेनफॉल्स, रेनफॉल मैप्स एंड मैप्स शोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फॉरेस्ट इंडस्ट्रीज आर नोन एज द थीमेटिक मैप्स। सुटेबल टाइटल्स आर गिवेन ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन दिस मैप। ओके, थ्री कंपोनेंट्स ऑफ द मैप क्या है? डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड द सिम्बल। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं, डिस्टेंस को देखते हैं। तो स्केल क्या होता है? स्केल इज ए रेशियो बिटवीन द एक्चुअल डिस्टेंस ऑफ ऑन द ग्राउंड एंड द डिस्टेंस शोन इन द मैप। ओके, इसे स्केल कहते हैं। व्हेन द लार्ज एरिया लाइक द कंटिनेंट और द कंट्री इज आर टू बी शोन ऑन ए पेपर देन वी यूज ए स्मॉल स्केल। फॉर एग्जाम्पल, द 5 सेंटीमीटर ऑन द मैप शोज द 500 किलोमीटर ऑफ द ग्राउंड, इट इज कॉल्ड द स्मॉल स्केल मैप। और दूसरा क्या है? व्हेन ये स्मॉल एरियाज लाइक योर विलेज और द टाउन्स इन शोन ऑन द पेपर देन वी यूज ए लार्ज स्केल दैट इज 5 सेंटीमीटर ऑन द मैप शोज एज द 500 मीटर ओनली ऑन द ग्राउंड। तो इसे क्या कहते हैं? लार्ज स्केल मैप। ओके, तो ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। अब है कि डायरेक्शन क्या होता है। ठीक है, तो डायरेक्शन बेसिकली देखो, डायरेक्शन में नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट, और जो नॉर्थ और ईस्ट के बीच होता है उसे बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट, जो नॉर्थ और वेस्ट के बीच होता है उसे बोलते हैं नॉर्थ वेस्ट, और जो साउथ और वेस्ट वेस्ट और साउथ के बीच होता है उसे साउथ वेस्ट कहते हैं, और जो साउथ एंड ईस्ट के बीच होता है साउथ ईस्ट कहते हैं, इसे बोलते हैं कार्डिनल डायरेक्शन। ओके, एंड ये है कैंपस जो कि ए डायरेक्शन को बताता है। एंड सिंबल क्या होते हैं? ए मैप हैव, ये यूनिवर्सल लैंग्वेज दैट हैव वी अंडरस्टूड बाय ऑल, देयर इज ए इंटरनेशनल एग्रीमेंट रिगार्डिंग द यूज ऑफ दीज सिंबल्स, दीज आर कॉल्ड द कन्वेंशनल सिंबल्स, सम कन्वेंशनल सिंबल्स शोन इन। तो ये सब कन्वेंशनल, रेलवे लाइन, रेलवे लाइन को ऐसे बनाया जाएगा, रोड गार्ड्स, मीटर गार्ज, रेलवे स्टेशन, रोड्स को इस तरह दिखाया जाएगा, बाउंड्री को इस तरह दिखाया जाएगा। ठीक है, रिवर्स को इस तरह से, वेल को इस तरह से, एंड टैंक्स को इस तरह से, एंड ब्रिज को इस तरह से। तो ठीक है, ये टेंपल्स के लिए, पोस्ट ऑफिस, सेटलमेंट, ग्रेवयार्ड एंड द ट्रीज, ग्रास वगैरह, ऐसे कन्वेंशनल सिंबल इसे बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। ये देखो, ये सारे शो किया गया है, रिवर्स, रोड्स, ट्रेन, रेलवेज। ओके, एंड स्केच क्या होता है? स्केच क्या होता है? इसके जो ड्राइंग मेनली बेस्ड ऑन द मेमोरी एंड द स्पॉट ऑब्जर्वेशंस एंड नॉट टू स्केल। समटाइम ये रफ ड्राइंग इज रिक्वायर्ड ऑफ एन एरिया टू टेल वेयर ये पर्टिकुलर प्लेस इज लोकेटेड विद रिस्पेक्ट टू अदर प्लेसेस। ओके, फिर प्लेन पे जाते हैं।
प्लान क्या है? प्लान इज द ड्रॉइंग ऑफ द स्मॉल एरिया ऑन द लार्ज स्केल, ओके, एंड एट द टाइम वी कैन रेफर द ड्रॉइंग ड्रॉन टू स्केल कॉल ये प्लान, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, अब नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं। थ्री कंपोनेंट ऑफ द मैप्स, तो मैप के तीन कंपोनेंट, फिजिकल एंड पॉलिटिकल एंड अदर, कॉर्डिनल डायरेक्शन तो मैंने बताया, द स्केल ऑफ द मैप भी मैंने बताया, एंड हेल्प्स द ग्लोब, हेल्पफुल देन ग्लोब, हाउ द मैप्स मोर हेल्पफुल देन ये ग्लोब, यस, क्योंकि उसमें जो है सारे क्षेत्रों को दिखा सकते हैं, ओके, लाइक ये नॉर्थ अमेरिका हो गया, ये अफ्रीका हो गया, ये यूरोप हो गया, ये एशिया हो गया, ठीक है, ऐसे बना दिया। डिस्टिंग्विश बिटवीन द मैप एंड प्लान, डिटेल इंफॉर्मेशन मैप के बारे में, सिंबल्स हेल्प द रीडिंग मैप्स, आगे देखते हैं। मैप्स शोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट, तो उसे फिजिकल मैप कहते हैं। द ब्लू कलर इज यूज फॉर शोइंग, तो उसे ब्लू बॉडीज कहते हैं। ये कैंपस इज यूज टू फाइंड द मेन डायरेक्शन, ओके, आगे देखते हैं। इस ये स्केल इज नेसेसरी तो फॉर द मैप के लिए, ओके। तो इस प्रकार ये मैप का चैप्टर बहुत ही बेसिक चीज़ है, इसमें आप मैप देखोगे तो वैसे समझ में आ जाएगा सब, ओके। देन नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, थैंक यू वेरी मच।